does that show anything in the right? अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये पहला लेक्चर है ऑनलाइन। मेरा पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक अब यही है कि ऑनलाइन जो है वो मजबूरन करना पड़ेगा। अच्छा जी, अभी एक बच्चे ने ऐड ज्वाइन किया है, ये बताइएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? मंजर खान, वॉइस क्लैरिटी है? ओके, हम लोग जो सेशन चला रहे थे उसमें ज्योग्राफी के एक मेजर पोर्शन कवर हो चुका है हाइड्रोस्फीयर का, और अभी हम लोग एटमॉस्फेयर के टॉपिक्स पे थे। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कवर कर लिया था, और उसके साथ फिर ये था कि टेम्परेचर से रिलेटेड चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ, उसमें हीट बैलेंस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। सो करंट जो लेक्चर है वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इसमें एक्चुअली डायग्राम्स की इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पर दिखा सकूँ। सो इसमें सिंपल सी बात है कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं तो उस हवाले से एक चीज़ ऑब्जर्वेबल है कि हम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं, एलिवेशन गेन करते हैं, एल्टीट्यूड बढ़ता है, तो उसके साथ ही टेम्परेचर में एक डिक्रीज जो है वो आती है। एक मिनट और कीजिएगा। सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर की यानी हाइट के साथ जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो थ्रू आउट द एटमोसफेयर ऑब्जर्वेबल तो होती है, जिसमें हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में देखा था कि ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करता है और उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करता है। लेकिन उसमें फैक्टर्स जो डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि विद हाइट जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपका डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड जो है वो बढ़ेगा, और जो एटमॉस्फेयर की हीटिंग है दैट इज़ मेनली डन बाय द सरफेस ऑफ अर्थ, कि सनलाइट या शॉर्ट वेव रेडिएशन जब अर्थ सरफेस में आती है तो वो अर्थ की सरफेस में रिसीव होनी है या अब्जॉर्ब होनी है, जिससे ग्राउंड लेवल टेम्परेचर्स इंक्रीज होंगे। जब ग्राउंड हीट अप होगी तो उसके साथ ही एयर मॉलिक्यूल्स जो उसके साथ कांटेक्ट में हैं वो भी हीट अप होंगे। सो द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर वुड बी फ्रॉम बिलो रादर दैन फ्रॉम अबव। ठीक है, जहाँ जहाँ पे शॉर्ट वेव रेडिएशंस ऑब्जर्व की जाती हैं कि अब्जॉर्ब हो रही हैं, जैसे आप ओजोनोस्फेयर में देखते हैं या ओजोन की लेयर में देखते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रही है, और साथ साथ ये कि आइनोस्फेयर के अंदर जहाँ पे इंटेंस किस्म की एनर्जीज एब्जॉर्ब होती हैं वहाँ पे भी आपको टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। बट दिस पर्टिकुलर टॉपिक जिसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, ये टॉपिक ज़्यादातर फोकस करता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर चेंजेस को। इन जनरल हम यही कह सकते हैं कि टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर इंक्रीजेज विद हाइट, तो हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और उस हवाले से एक चीज़ आपके सामने कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं प्रेशर में डिक्रीज आएगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर की कमी अल्टीमेटली टेम्परेचर को कम करती है, और ये एक नॉर्मल अगर आप ईडीएस के स्टूडेंट हैं या एवरीडे साइंस में पढ़ रहे हैं तो आप फिर सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर के आपस के रिलेशनशिप को ही स्टडी कर रहे होते हैं। But the internal mechanism which is actually happening within the air
वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। इसमें सबसे पहली बात ये है कि अगर टेम्परेचर चेंज अकर कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रेशर चेंज, तो उस चीज़ को हम एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम देते हैं। हमारा ये टॉपिक ज़्यादातर फोकस ही एडियाबैटिक प्रोसेसेस पे करता है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस को हम इसी तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द चेंज ऑफ टेम्परेचर विदाउट इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग। ना ही कोई एयर पार्सल जो है वो इस प्रोसेस में सराउंडिंग से हीट लेकर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, और ना ही उसकी कूलिंग जो है वो सराउंडिंग को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करके या रिलीज़ करके होती है। सो इस हवाले से एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर हम एग्जांपल्स को देखें, तो इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमारी आमतौर पे लाइफ में नज़र आती है वो बाइसिकल पंप है। जैसे आप पंपिंग कर रहे होते हैं, सो जो एयर का एक पार्सल या एक मतलब वॉल्यूम जो है वो जब इन इन द पंप वो एक सर्टन स्पेस या सर्टन वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा होता है, और आप उसको जब स्क्वीज़ करते हैं तो आप उसकी वॉल्यूम को जब डिक्रीज करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, तो उससे मोलेकुलर मूवमेंट है वो रिड्यूस होगी, प्रेशर इंक्रीज करेगा। लेकिन मोलेकुलर मूवमेंट का इफेक्ट यही होगा कि जितनी पहले उसको स्पेस प्रोवाइडेड थी, उस स्पेस से रिलेटिवली जब कम स्पेस में उसने कन्वर्ट होना है, तो वो मोलेकुलर मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट, और हीट एनर्जी दैट विल कॉज द राइज ऑफ टेम्परेचर। वाइस वर्सा अगर आप इस चीज़ को ऑपोजिट कर देंगे, उसमें यही आपको नज़र आएगा कि जब आप किसी वॉल्यूम ऑफ एयर या पार्सल ऑफ एयर को एक्सपैंड करवाते हैं, सो एक्सपेंशन का इफेक्ट ये है कि यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द मॉलिक्यूल्स विद मोर स्पेस, बट यू आर नॉट गिविंग देम इनफ एनर्जी कि वो उस वॉल्यूम में अपनी मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए कोई एनर्जी यूज़ कर सकें। सो द एक्सपेंशन ऑफ एयर पार्सल विल एक्चुअली कॉज द रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर, और एक्सपेंशन में यही है कि स्पेस अवेलेबल हो गई, स्पेस इंक्रीज हो गई, मॉलिक्यूल्स ने अपनी मूवमेंट को इंक्रीज किया, लेकिन दे विल एक्चुअली कन्वर्ट देयर हीट एनर्जी इनटू मोलेकुलर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट विल रिजल्ट इन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सो जैसे जैसे हम एटमोसफेयर में हाइट पे जाते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है। आप हाइट पे जाएंगे, एयर प्रेशर कम होता जाएगा, मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सपेंशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, पार्सल ऑफ एयर एक्सपेंड करेगा, एनर्जी डिस्पर्स हो जाएगी ज़्यादा एरिया के ऊपर, एंड दैट विल कॉज द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सो सिंपल एक स्टेटमेंट के एल्टीट्यूड टेम्परेचर को डिक्रीज करवाता है, इट इज़ बेस्ड ऑन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसकी और एग्जांपल्स हम अपनी कॉमन लाइफ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एयर कंडीशनर की वर्किंग को देखें, हम फ्रिज की वर्किंग को देखें, तो वहाँ पे कंप्रेसर का यही काम होता है कि वो मैकेनिकली जो है वो पंपिंग के थ्रू एयर को या उस गैस को जो एसी के अंदर है उसको कंप्रेस करके उसको हीट अप करवा रही होगी, बिकॉज द कंप्रेशन विल कॉज द हीटिंग ऑफ दैट एयर पार्सल। और जैसे ही उसको लो प्रेशर कंडीशन में एसी के इंडोर की तरफ भेजा जाता है, वही हवा एक्सपैंड करना शुरू करती है, वही गैस एक्सपैंड होती है, और एक्सपेंशन की वजह से उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है जो कूलिंग इफेक्ट देता है। सो इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को हम तीन कंडीशंस पे अप्लाई करते हैं। नंबर वन इज कि एक टर्म आपको मिलेगी आउटलाइन में, दैट इज ELR, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, दैट रेफर्स टू द एवरेज कंडीशन के जैसे जैसे ऑन एवरेज हम एक सर्टन हाइट गेन करते हैं, तो उस हाइट के गेन करने से जो प्रेशर में चेंज आना है उसने टेम्परेचर को कितना चेंज करवाना। सो इस वैल्यू को ELR या एनवायरमेंटल लैप्स रेट कहा जाता है, विच इज 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज विद असेंट ऑफ एवरी 1000 मीटर्स। आप 1 किलोमीटर अगर हाइट गेन करते हैं, सो 1 किलोमीटर हाइट गेन करने से जो प्रेशर चेंज होना है उसने टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करवा देना।
सो अगर ग्राउंड लेवल टेम्परेचर 20 डिग्री या 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, एट द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर इट विल बी 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड। विद फर्दर असेंट ऑफ 1000 मीटर्स, 2 किलोमीटर ऊपर आप चले गए, मजीद 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो दिस इज जनरली अप्लाइड ऑन नॉर्मल कंडीशंस और एवरेज कंडीशंस। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की, इसको DALR कहा जाता है। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट में आप ड्राई एयर को अगर सैंपल लेंगे, इसका जो रेट ऑफ डिग्रीज है वो आपको 10 डिग्रीज पर 1000 मीटर्स मिलेगा। आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ग्राउंड लेवल टेम्परेचर जो 20 डिग्री था वो 10 डिग्री पे ड्रॉप हुआ होगा। 2 किलोमीटर की हाइट पे यही टेम्परेचर 0 डिग्री पे आ जाएगा। सो ड्राई एयर जो है वो रैपिड एक्सपेंशन में इन्वॉल्व होती है, और उस रैपिड एक्सपेंशन का इफेक्ट ये नज़र आता है कि टेम्परेचर भी रैपिडली ड्रॉप करता है। सो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के लिए आपने सिंपल यही बात ध्यान में रखनी है कि ये स्ट्रेट अवे 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करेगा। इन कंपैरिजन विद दिस, अब तीसरी जो आपके पास कंडीशन है उसको हम SALR कहते हैं, सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट, यानी हवा जो है उसके अंदर उसमें हम लोगों ने एक बात वहां पे स्टडी कर ली थी कि वाटर वेपर दो तरह की एनर्जीज को अब्जॉर्ब करने का कैपेबल है, वो लाइट को भी अब्जॉर्ब कर सकता है और वो हीट एनर्जी को भी अब्जॉर्ब करने का कैपेबल है। जो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी है, वाटर वेपर ना सिर्फ उसको अब्जॉर्ब के रखता है बल्कि उसको स्टोर भी किए रखता है। और इसमें अभी जब आप लेक्चर यहाँ पे इस लाइव लेक्चर को देख लें तो उसके बाद आपने 2 वीडियोस कंसल्ट करनी है जो इसी ग्रुप के अंदर वीडियोस के सेक्शन में मौजूद हैं। एक का टाइटल है लैप्स रेट और दूसरी वीडियो का टाइटल है लेटेंट हीट। सो टू अंडरस्टैंड द सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट, आपको लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है। जिस वक्त हम एक आइस क्यूब को एक्सपेरिमेंटली मेल्ट करवाते हैं तो उसके अंदर हम हीट इंड्यूस कर रहे होते हैं, उसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा सराउंडिंग, एंड दैट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद एडियाबेटिक प्रोसेस। सो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यही है कि आपने जब आइस क्यूब को हीट प्रोवाइड की तो उस हीट एनर्जी ने उस आइस क्यूब के अंदर जो मॉलिक्यूल सॉलिड की तरह से वाइब्रेट कर रहे थे उनको आपने एनर्जी प्रोवाइड करके उनकी मूवमेंट को इंक्रीज करवाया, एंड दैट इंक्रीज विल कॉज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि ये सॉलिड जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। लेकिन वो जो लिक्विड पानी प्रोड्यूस होगा मेल्टिंग के प्रोसेस में, वो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा जो टेम्परेचर उस आइस क्यूब का था। सो टेम्परेचर उस एनर्जी ने चेंज नहीं करवाया, उस एनर्जी ने सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज करवाई है कि सॉलिड से मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड की तरह से फ्री मूवमेंट में आ गए, और उस मूवमेंट की वजह से स्टेट चेंज हुई। बट द एनर्जी इज नॉट एक्चुअली बीइंग सेंस्ड बाय द थर्मोमीटर। सो वो एनर्जी इंड्यूस तो की गई थी लेकिन थर्मोमीटर ने उसको सेंस नहीं किया। इस टाइप की एनर्जी को हम लेटेंट हीट एनर्जी कहते हैं। फर्दर जब हम पानी को मजीद हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर थर्मोमीटर पे हाई होना शुरू हो जाता है। सो दैट वुड बी द पार्ट ऑफ सेंसिबल हीट। लेकिन फिर आप देखेंगे इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वेपराइज होगा पानी। जैसे पानी बॉयल हो रहा होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, उससे जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेकिन स्टीम के बारे में हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते आए कि स्टीम में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। सो उस हवाले से स्टीम को हम गैसियस स्टेट या वाटर वेपर स्टेट कह सकते हैं कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट विल इंक्रीज ड्यू टू इंडक्शन ऑफ हीट, उसको और हीट प्रोवाइड की गई है।
सो हवा के अंदर जो वाटर वेपर है वो ऑलरेडी उस हीट को अब्जॉर्ब किए हुए है और अपने अंदर उसने उसको स्टोर भी किया हुआ। जिस वक्त एक सैचुरेटेड एयर या मॉइस्ट एयर का पार्सल हवा में राइज करता है, उसकी भी एक्सपेंशन होती है और उस एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, विच विल बी द पार्ट ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी एक्सपेंशन हवा की हुई, हवा की एक्सपेंशन ने टेम्परेचर डिक्रीज करवाया, लेकिन उस टेम्परेचर डिक्रीज के साथ ही हवा की वो कैपेसिटी जो उसके पानी को रिटेन या वाटर वेपर को रिटेन करने की है, दैट विल बी डिक्रीज्ड। और उसका इफेक्ट डायरेक्टली यही होगा कि वाटर वेपर जो गैसेस स्टेट में है, इट विल बी कन्वर्टेड बैक टू वाटर ड्रॉपलेट्स। सो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। इट इज ऑपोजिट टू इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हुई थी और उसके बाद लिक्विड से गैसेस स्टेट आई। कंडेंसेशन में यही प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और गैसेस स्टेट जो है, इट विल बी कन्वर्टेड बैक टू लिक्विड स्टेट, बट दैट विल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी। सो वो वाटर वेपर उस कूलिंग पार्सल ऑफ एयर के अंदर मौजूद है एंड इट इज कन्वर्टिंग बैक टू गैसेस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, इट विल प्रोवाइड एडिशनल एनर्जी। सो इसका इफेक्ट ये होगा कि हवा उतनी तेजी से कूल डाउन नहीं होगी जितनी तेजी से ड्राई एयर कूल डाउन होती है। ड्राई एयर का रेट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है विद अ सेंट ऑफ 1000 मीटर्स। सैचुरेटेड एयर का यही रेट जो है, ये 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो, जैसे मैंने ग्राउंड टेम्परेचर की एग्जाम्पल दी कि अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ग्राउंड लेवल टेम्परेचर है विद असेंट ऑफ 1000 मीटर्स, इट विल ड्रॉप टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट हाई होगा, बट इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर एज वेल, जो कि 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिलीज होना है और वो होगा लेटेंट हीट रिलीज से जो कि वाटर वेपर ने करनी है। और वाटर वेपर की ये रिलीज एनर्जी जो है वो नेट चेंज सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड का लेके आएगी। सो आप एक ही डायग्राम पे ये तीनों रेट्स जो है वो मेंशन करेंगे एक ग्राफ के थ्रू, कि आप नीचे मेंशन कर देंगे ये पॉइंट ए है जो कि ईएलआर को शो कर रहा है, पॉइंट बी है जहाँ पे ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट अप्लाई हो रहा है, और पॉइंट सी है सपोजिंग जहाँ पे सैचुरेटेड एयर है और वो राइजिंग में इन्वॉल्व है। सो इस राइजिंग का इफेक्ट तीनों कंडीशंस में डिफर करेगा। सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट रिलेटिवली कम होगा। अभी आप इसमें एक ब्रेक लीजिए और 5 मिनट में आप दो मूवीज जो है वो देख सकते हैं, दो दो मिनट की ड्यूरेशन की है। देन वी विल डिस्कस द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, जो इसी चैप्टर का पार्ट है, इस क्वेश्चन का पार्ट है, और आप आफ्टर 5 मिनट्स जो है वो रिज्यूम कर सकें। अगर कोई क्वेश्चन अभी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, कोई फीडबैक या कोई आपको और रिक्वायरमेंट हो, लाइक आई थिंक आई लैक द यूज ऑफ मार्कर एंड बोर्ड, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैनेज करूंगा कि आपको बोर्ड के साथ जो है वो लेक्चर्स डिलीवर हो। लेकिन अभी आपके बाद आपके क्वेश्चंस हो अबाउट द एडियाबेटिक प्रोसेस या अबाउट लेटेंट हीट, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो वी विल रिज्यूम आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, और उसमें हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का पोर्शन जो है वो कर